नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी बस्ती में मनाया गया बाल दिवस और दीपावली का उत्सव समारोह। इस कार्यक्रम का आयोजन हेल्पिंग एंड फॉर नीडी नाम की संस्था द्वारा कराया गया। हेल्पिंग एंड फॉर नीडी संस्था के संस्थापक स्वाति अग्रवाल ने बताया कि वो अक्सर इस पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी बस्ती में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है और गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी करती है। स्वाति ने साथ ही बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करने में उन्हें कई तरह की परेशानियों का अक्सर सामना करना पड़ता है। हेल्पिंग एंड फॉर नीडी संस्था ने आज तक इस मौके पर कई घरेलू महिलाएं भी जुड़ी, जिन्होंने बताया कि उन्हें इस संस्था के बारे में फेसबुक के माध्यम से पता चला और उन्होंने भी इस संस्था के कार्यक्रम में योगदान दिया। वहीं बच्चों के साथ बाल दिवस का समारोह मनाया। इस मौके पर बच्चों को कपड़े, खेल कूद का सामान, पढ़ाई लिखाई के लिए स्टेशनरी और कई उपहार बांटे गए। साथ ही बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्पिंग हैंड फॉर नीडी की टीम ने कई गेम्स भी खिलाई। सर देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार जी, आप बच्चों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन सी जगह है और क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? सर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान रिफ्यूजी कैंप है, ये आदर्श नगर में पड़ता है। हम यहाँ पे बार बार कैंपेज लगाते रहते हैं जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट होता रहता है। बच्चों की शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है हमारी तरफ से, वो हम सब यहाँ पे कोशिश करते हैं अपने लेवल पे। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप पर कई बच्चों का एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, क्या उस लेवल पर भी काम किया जाए? जी जरूर सर, हमारे जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और बाकी जो चीज़ें हमसे हो सकती है हम अच्छे वेल कंटेंट अपना बच्चों को सपोर्ट करते हैं। क्या क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाए? प्राइज यहाँ पे जैसे स्टेशनरीज हो गई, कपड़े हो गए और लेडीज़ के लिए पैड्स वगैरह हो गए, तो जो जो फ्रूटीज हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो हम वीकली मंथली अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। स्वाति अग्रवाल, मेरी एनजीओ का नाम है, मेरी ट्रस्ट का नाम है हेल्पिंग हैंड्स फॉर नीडी। क्या कार्यक्रम आज बच्चों के लिए? आज हमने बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे और दिवाली सेलिब्रेशन रखा है इनके लिए। इनके लिए बहुत गेम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, इनको एंजॉय करवा रहे हैं हर तरह से और काफ़ी चीज़ें हम बच्चों के लिए आज लेकर आए हैं। मेरे संस्था से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा है और लाइक बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए मोस्टली सूट्स आए हैं, लहंगा चोलीज आई हैं और उनके लिए फूड आइटम्स हैं, ब्रेड पकौड़ाज हैं, पेस्ट्रीज हैं और यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे वॉलंटियर्स के साथ वॉलंटियर्स उनको गेम खिला रहे हैं, म्यूजिकल चेयर्स हुआ है अभी, उसमें बच्चों ने प्राइजेस जीते हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे। और हम यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन करते रहते हैं मोस्टली, तो आज बच्चों के लिए हमने इसलिए करा, दिवाली से थोड़ा पहले रखा क्योंकि आपको पता ही है जैसे दिवाली और चिल्ड्रंस डे एक ही दिन पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि सब लोग बिजी होंगे उस टाइम पे, तो थोड़ा सा पहले इनका प्री प्लान करते हैं। स्वाति जी, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप है, हाँ जी, काफी बच्चों का एजुकेशन नहीं मिल पाती क्या इस, हाँ जी, इस पर भी काम, हाँ जी, इस पर भी काम कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स। अब हमने स्टार्ट किया है कि वीक में कोई भी एक वॉलंटियर 3 डेज आएगा 1 आवर के लिए, वो अपना इनको सपोर्ट देकर जाएगा और विद सिलेबस वो इनको लर्निंग देंगे।